बाऊजी। हाँ जी बाऊजी, आप बाहर जा रहे? ना पुत्र, बाहर नहीं जा रहा हूँ, धंधे पे जा रहा हूँ, टैक्सी चला रहा हूँ। पर भौजी, इसकी जरूरत क्या है? किस बात की जरूरत क्या है? मैं साफ साफ बोल, कहना क्या चाहता है तू? भौजी, हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि देख यार, तेरा तो है आज संडे, तेरे पास है टाइम ही टाइम, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है ना। बाऊजी, एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे थे कि अब ये टैक्सी चलाने की जरूरत ही क्या है। हाँ बाऊजी। ओए, मेरे टैक्सी चलाने से तेरे को शर्म आती है? न तेरे दफ्तर में कोई कुछ कहता है? नहीं बाऊजी, हमें दुख होता है बाऊजी कि हमारे होते हुए। और बाऊजी, वैसे भी जरूरत क्या रह गई है? सर पे छत है, दो वक्त की रोटी है। ओए, और तू अब अपने बाप को मुहावरे सिखाएगा है? लेक्चर पिलाएगा? बाऊजी, आप हमेशा मेरी बात को गलत समझते हैं। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब किचन एक हो गई है तो खर्चों में तो कमी आती ही है ना। हाँ बाऊजी, और बाऊजी आपके आशीर्वाद से घर में इतना पैसा तो आ ही जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। और वैसे भी बाऊजी, आपने तो सिखाया है कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चद्दर हो, और आपके बच्चे सब कितने खुश हैं बाऊजी। बस सिर्फ आप लोगों का प्यार का साया हमेशा हमारे साथ रहे। अरे देख, मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है, नाज है, लेकिन पुत्र जब तक हाथ पैर सलामत हैं वो बंदे को काम तो करना ही चाहिए ना। और फिर गड्डी निकालता हूँ तो रात को घर कुछ लेकर ही लौटता हूँ ना। पर बाऊजी, आप समझते क्यों नहीं है? ओए, ओए, जितना वक्त तू मुझे समझाने में बर्बाद कर रहा है ना, उतना ये सोचने में लगा कि तुझे आगे चलकर लाइफ में क्या करना है, अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है। बाऊजी, आप क्या सोचते हैं कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ? एक तो ये कुछ किस्मत और कुछ फैमिली के हालात मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देते। और देखो देखो पुत्र, जो किस्मत और हालात को कोसते हैं ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। कर पाते हैं वही लोग जो मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं। और पुत्र जी, काम ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। बाऊजी, मैं आपकी हर बात को अपनी जिंदगी के अंदर उतारना चाहता हूं। बाऊजी, मैं आपका बेटा हूं, मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। बाऊजी, बाऊजी, जब चाचू जिंदा थे आप कितने खुश रहते थे। बाऊजी, आप घूमते थे, बातें करते थे। बाऊजी, मैं आपको वैसा ही देखना चाहता हूं। बाऊजी, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन मैं आपको सुख देना चाहता हूं, आराम देना चाहता हूं। दरअसल बाऊजी, आज छुट्टी है ना, तो हम सब ने प्लान किया था कि आज पकोड़े शकोड़े बनाएंगे। तो आज अगर आप रुक जाते तो। अरे शशि, चल गेट खोल।